हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसआई फार्मासिस्ट सीआरपीएफ मॉडल पेपर टू पार्ट सेकंड जिसमें कि एमसीक्यू सी ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी होंगे चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड एमसीक्यू के बारे में Question number 26. Natural killer cells are types of option A, erythrocyte, option B, platelets, option C, lymphocyte, and option D, leukocyte. The right answer is option C, any yani lymphocyte. The next question is. Acid resistant and penicillinase resistant penicillin is option A, ampicillin, option B, Benzathine penicillin, option C, benzyl penicillin, and option D, cloxacillin. The right answer is option D, any cloxacillin. The next question Busulfan is A. ऑप्शन ए एंटीनियो प्लास्टिक ड्रग ऑप्शन बी एंटी माइकोबैक्टीरियल ऑप्शन सी एंटी डिप्रजेंट ड्रग एंड ऑप्शन डी एंटी जियोलाइटिक ड्रग द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटीनियो प्लास्टिक ड्रग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tetracyclines are not given with milk because option A insoluble chelates is formed, option B activity is destroyed, option C gastric irritation, and option D toxicity increase. The right answer is option A any yani insoluble chelates is formed. The next question is. पायरिडोक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद आइसोनेटेड टू मिनिमाइज द ऑप्शन ए हेपार्टोटॉक्सिसिटी ऑप्शन बी आइडियोसिनक्रेजी ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन डी नेफ्रोटॉक्सीिटी द रईट आंसर इज ऑप्शन सी यानी न्यूरोटॉक्सिसिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग बारफेरिन इज यूज इन डिसीज ऑप्शन ए हाइपरटेंशन ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड ऑप्शन डी एंजाइना पैक्टोरिस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी थ्रोम्बोसिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवल ऑफ नॉर इपिन एलिवेटेड इन ब्रेन इन ऑप्शन ए ग्लूकोमा ऑप्शन बी माइस्थेनिया ग्रेविस ऑप्शन सी सीजोफ्रेनिया एंड ऑप्शन डी अर्थराइटिस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी सीजोफ्रेनिया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड इन एंजाइना पैक्टोरिस बाई ऑप्शन ए इंट्रावेनस रूट ऑप्शन बी सबलिंगुअल रूट ऑप्शन सी सबलिंगुअल स्प्रे एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा ऑक्सीडेशन इज Option A, lipolysis of lipoprotein. Option B, breakdown of fatty acids. Option C, increased level of blood cholesterol. And Option D, none of these. The right answer is Option B, breakdown of fatty acids. The next question is Nephajolin is used in Option A, hypertension. ऑप्शन बी नेजल डिकंजेसन ऑप्शन सी हे फीवर एंड ऑप्शन डी अस्थमा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी नेजल डिकंजेसन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इज ऑप्शन ए मॉन्टेलुकास्ट ऑप्शन बी इथियोनामाइड ऑप्शन सी मेट्रोनिडाजोल एंड ऑप्शन डी नाइट्रोफ्यूराइंटोइन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी मॉन्टेलुकास्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोहंस डिसीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑप्शन ए किडनी ऑप्शन बी लीवर ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट The right answer is option D any gastrointestinal tract. The next question is deoxycholic acid is used in the treatment of option A joint option B arthritis option C colitis and option D irritable bowel syndrome. The right answer is option A यानि ज्वाइंटिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पीसीन मेड साइड इफेक्ट इज ऑप्शन ए नेफ्रोटॉक्सीिटी ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी ऑप्शन सी सेडेशन एंड ऑप्शन डी हेपाटोटॉक्सीटी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी हाइपर सेंसिटिविटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर डिसइनफेक्टेंड फ्लोर्स कम्स अंडर ऑप्शन ए शेड्यूल पी ऑप्शन बी शेड्यूल एम एंड ऑप्शन सी शेड्यूल ओ एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी शेड्यूल ओ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड ऑप्शन ए गैलन ऑप्शन बी आर एन चोपड़ा ऑप्शन सी चरक एंड ऑप्शन डी बिलियम हार्वे द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी गैलन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू जी नॉल इज़ प्रजेंट इन ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी तुलसी ऑप्शन सी कार्डमम एंड ऑप्शन डी बसाका द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी तुलसी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज वाटर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर, ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी डिप्थीरिया। ऑप्शन सी रेहियोमैटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी साइफलिस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी रेहियोमेटॉइड अर्थराइटिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुम ट्रिप्टेन इज यूज टू ट्रीट ऑप्शन ए हाइपरटेंशन ऑप्शन बी डायरिया ऑप्शन सी ग्लूकोमा एंड ऑप्शन डी माइग्रेन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी माइग्रेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर बार ओवरडोज इज ऑप्शन ए विटामिन के ऑप्शन बी विटामिन ए ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी विटामिन के द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द ड्रग ए सी ई इनोवेटर्स ऑप्शन ए एम्लोडिपीन ऑप्शन बी अटैनोलॉल एंड ऑप्शन सी रैमी प्रिल ऑप्शन डी निफिडिपीन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी रैमी प्रिल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी ऑप्शन ए बिलियम हार्बे ऑप्शन बी रामनाथ चोपड़ा एंड ऑप्शन सी रॉबर्ट होक एंड ऑप्शन डी गैलन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामनाथ चोपड़ा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरुलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए जिंजर ऑप्शन बी राल्फिया ऑप्शन सी सिन्नामन एंड ऑप्शन डी ऐशाफोडिडा The right answer is option D yani Asafoetida. The next question is Which of the drug are mucolytic option A bromhexine option B acetylcysteine option C ambroxol and option D all of these The right answer is option D yani all of these द लास्ट क्वेश्चन इज इंडियन गोसबेरी ऑल्सो नॉन एज ऑप्शन ए आंला ऑप्शन बी क्लोव ऑप्शन सी विंका एंड ऑप्शन डी जिंजर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी आमला तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग